चलो ठीक है बाबू। कौन आया हर सीटी देते हुए? देखो बाबू क्या है, टिंडल लिख लिया प्रकाश सिंह सर, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बाबू, मेरे जल्दी लिखो, डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखो ना शैतान। देखो 7 मिनट मेरा ले लिया आप लोग लिखने में, बताओ 7 मिनट बचता तभी हम कुछ पढ़ाते ना। शिवानी आपका वीडियो ब्लैक है बाबू, फिर मोबाइल खराब हो गया क्या शिवानी? पता नहीं सर। क्या बाबू? पता नहीं सर। चलिए तो चलो ठीक है। देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या चीज है बाबू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या चीज है, पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट लास्ट क्लास बताए थे ना, वो लास्ट क्लास बताए थे ना बाबू, स्कैटर ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हो, लाइट का फैल जाना, लाइट का फैल जाना, लाइट का फैल जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं ना बाबू, लाइट को क्या होना बाबू, फैल जाना है ना। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे होता क्या चीज है बाबू, लास्ट क्लास बताए थे आपको है ना बाबू, बताए थे जैसे मेरे पास हवा है बाबू, हम लोग का अर्थ का एटमोस्फेयर पे है ना बाबू, ये मेरे चारों ओर क्या बाबू एटमोस्फेयर है, चारों साइड क्या एटमोस्फेयर है ना, तो एटमोस्फेयर बाबू तो इसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल है क्या बाबू, छोटे छोटे डस्ट का पार्टिकल है सर, देखते नहीं बाबू हवा में क्या रहता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहता है सर, वाटर बारिश के दिन में क्या रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, क्या रहता है बाबू, वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स रहता है, ठीक है ठीक है सर। और यहाँ बाबू मान लो कि क्या आपका सन है, यहाँ बाबू क्या सन है ठीक है, और बीच में क्या है शैतान, इनवर्स है ये अर्थ है बाबू, मान लो ये कितना हो गया अर्थ का, ये एटमोस्फेयर है, ये बीच में अर्थ हो गया, साथ एकदम शांति से सुनना समझना है, शांति से समझना बाबू समझना है ठीक है समझना, जैसे मान लो ये क्या हो गया सर अर्थ हो गया है ना, और इसका एटमोस्फेयर होगा बाबू, इसका एटमोस्फेयर होगा, एटमोस्फेयर होगा, अब इस एटमोस्फेयर में क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटा छोटा पार्टिकल होगा, वाटर क्लाउड या धूल गर्द, जिसको डस्ट पार्टिकल, जिसको क्या करते हैं धूल कहते हैं ना बाबू, धूल नहीं कहते ना, कहते हवा में धूल है, बहुत सारा धूल है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डस्ट पार्टिकल, तो ये क्या होगा बाबू डस्ट पार्टिकल होगी, और बीच में बाबू क्या इनवर्स है, जैसे बाबू आप स्पेस में जाओगे तो देखते बाबू स्पेस में आप लोग मूवी वगैरह देखे होगे है ना बाबू, स्पेस से बाबू एस्ट्रोनॉट कोई ऊपर देखेगा ना तो कैसा स्पेस दिखाई देता बाबू, ब्लैक दिखाई देता है, आसमान कैसा काला दिखाई देता, कहां से सर अर्थ के ऊपर से चढ़ के देखना था स्पेस यानी यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स है ना, तो आपका जो बाबू ये यूनिवर्स दिखाई देगा ब्लैक कलर दिखाई देता है ना, तो देखो होता क्या, शांति से समझो, सन है बाबू, सन से रे ऑफ लाइट चला सर ठीक है सर, तो रे ऑफ लाइट चला बाबू तो यहाँ पे वैक्यूम है, इनवर्स में बाबू हवा पानी कुछ नहीं, इनवर्स में बाबू हवा पानी नहीं है, तब ना एस्ट्रोनॉट क्या जाता है ऑक्सीजन लेके जाता है जी, हवा पानी रहता तो ऑक्सीजन लेके क्यों जाता, कुछ नहीं रहता है ना, तो यहाँ बाबू रे ऑफ लाइट चला सीधे 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 एकदम शांति से चलो, अब बाबू क्या है अर्थ के एटमोस्फेयर में है शैतान, अर्थ के एटमोस्फेयर में है, तो अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या है छोटे छोटे पार्टिकल है, क्या बाबू छोटे छोटे के पार्टिकल है, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा सर, इस छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होगा बाबू टकराएगा, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगा, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होगा बाबू टकराएगा, टकराएगा, शांति से सुनना समझना है ना बाबू, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या हो गया बाबू टकरा गया है ना, छोटे छोटे ये मान लो पार्टिकल है ये बाबू आपका अर्थ का एटमोस्फेयर में पार्टिकल है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ गया तो इस पार्टिकल से टकराएगा, तो कुछ रे ऑफ लाइट इधर टाइप स्कैटर कर जाएगा, स्कैटर मतलब बाबू फैल जाना है ना, कुछ इधर फैल जाएगा, कुछ कुछ बाबू सीधे निकल जाएगा, कुछ इधर फैल जाएगा है ना, कुछ इधर फैल जाएगा, मतलब क्या होगा सर छित्र आ जाएगा, इधर उधर बाबू क्या होगा फैल जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा फैल जाएगा, इधर उधर क्या होगा फैल जाएगा है ना, ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट बाबू ऐसे ऐसे फैल रहा बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा जो व्हाइट लाइट बाबू, जो सन लाइट है, ये जो बाबू सन लाइट हमारे पास है कितना कलर का कम मिश्रण है बाबू, ये बाबू 7 कलर का मिक्सचर होता है ना बाबू, 7 कलर का क्या होता है सर मिक्सचर होता है, कैसे सर सनलाइट में बाबू, सनलाइट में बाबू 7 कलर होते हैं, कौन कौन सर, ये वाला पैटर्न नहीं याद है आपको, हाँ भीव ग्योर बाबू, भीव ग्योर, भीव ग्योर वायलेट सर, और ये बाबू इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है ना, ठीक है, तो व्हाइट लाइट में बाबू क्या होता है 7 कलर का कंपोनेंट होता है बाबू, व्हाइट लाइट क्या होता है 7 कलर कंपोनेंट होता है ना, व्हाइट कलर लाइट बाबू है 7 कलर है, उसमें उस व्हाइट लाइट के पास क्या 7 कलर होता है ना, तो जो इधर उधर फैलता ना बाबू, जो कलर इधर उधर फैलता ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैलता है, ब्लू वाला कलर फैलता है, और रेड वाला कलर नहीं फैलता, रेड वाला कलर सीधे निकल जाता, तो जो छितराता ना बाबू सबसे ज्यादा छितराता है ना, सबसे ज्यादा जो छितराता ना वो कौन सा कलर छितराता है, ब्लू कलर छितराता, तो जैसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो स्कैटर होगा वो सबसे ज्यादा जो स्कैटर होगा कौन सा कलर स्कैटर होता है, ब्लू कलर स्कैटर होता, तो अब सबसे ज्यादा मान लो बाबू यहाँ पे आप लोग आंख रखोगे, यहाँ पे बाबू आप लोग आई रखोगे,
तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाएगा। मान लो यूनिवर्स है बाबू, यहाँ से बाबू हमने क्या किया, व्हाइट लाइट पास किया, यहाँ से व्हाइट लाइट पास किया, तो इसमें बाबू मान लो सेवन कलर का क्या मिश्रण है, ये बाबू मिक्सचर ऑफ बाबू सेवन कलर है ना, तो सबसे ज्यादा इधर उधर इधर ऊपर नीचे सबसे ज्यादा कौन सा चित्र आएगा, ब्लू कलर चित्र आएगा। तो इस कारण से स्काई आपका कैसा दिखाई देता बाबू, ब्लू दिखाई देता, ब्लू दिखाई देता, ब्लू दिखाई देता है ना, ठीक है सर। सबसे ज्यादा ब्लू ही क्यों चित्र आता है सर? अरे शैतान आगे कितना पढ़ोगे बाबू, अभी आप लोग लेवल है बाबू, हर एक चीज का लेवल है ना, बता दे देते, बता भी देते हैं, ठीक है ठीक है। तो सबसे ज्यादा बाबू कौन सा कलर इधर उधर बाबू स्कैटर होगा, ब्लू कलर स्कैटर होगा, है ना, ब्लू कलर स्कैटर होता है, इसलिए आपका देखो ऊपर स्काई बाबू तो कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, है ना, ब्लू दिखाई देगा, ठीक। अर्थ से हम एटमोस्फेयर को देखेंगे तब तो ब्लू दिखाई देगा क्योंकि ब्लू सर स्कैटर कर रहा है, लेकिन सर अगर हम यूनिवर्स में जाके देखेंगे वहां स्पेस में तो वहाँ लाइट स्कैटर नहीं करता इसलिए ब्लैक दिखाई देता है, यही कारण है क्या? हाँ बाबू, हाँ बाबू, इनवर्स में बाबू, इनवर्स में क्या है, इनवर्स में कोई डस्ट पार्टिकल है ही नहीं, इनवर्स में क्या सर, डस्ट पार्टिकल है ही नहीं, अब वैक्यूम है तो ना डस्ट पार्टिकल है बाबू, तो डस्ट पार्टिकल है जो भी कलर है वो बाबू क्या करेगा, थी स्कैटर कर भी नहीं करेगा, स्कैटर कर भी नहीं करेगा, तो इनवर्स में देखोगे तो क्या करेगा, काला काला दिखाई देगा, ऊपर करके देखो अर्थ के ऊपर से देखोगे तो काला दिखाई देगा, ठीक है ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर जो करता है बाबू ब्लू कलर स्कैटर करता है, ठीक है ना, तो मेरा स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। अब इसमें एक और इसमें फिनोमेनन, आप लोग बाबू रेड सिग्नल देखे होंगे, जैसे बाबू आप ट्रेन सफर करते हैं बाबू, चाहे कोई भी व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, तो उसका जो पीछे वाला लाइट है बैक लाइट बाबू, वो रेड कलर का होता है, रेड सिग्नल बाबू। ऐसे बाबू ट्रेन देखते हो ना, तो ट्रेन में बाबू देखते ना कि कहीं भी बाबू सिग्नल आ जाता तो हम लोग कौन सा कैसा यूज करते बाबू, रेड कलर यूज करते हैं सिग्नल में, जनरली कोई भी सिग्नल रहे बाबू, है ना, उसमें हम लोग कैसा कलर यूज करते हैं सौम्या, रेड कलर यूज करते हैं। अरे शैतान, दो चक्किया चार चक्किया चढ़े हो ना बाबू, तो पीछे से जो सबसे डिक्की के पीछे में देखो ब्रेक मारते हो तो क्या कर, रेड कलर जलता है, तो उसका कलर रेड ही क्यों होता है? या बाबू ट्रेन का बाबू ट्रेन जब आगे बढ़ता था पीछे जाता ना, ट्रेन का क्या रहता है, पीछे भी बाबू रेड कलर का जलते रहता। या जो भी सिग्नल में यूज करते हैं, बाबू तो वहां पर रेड कलर बहुत दूर से दिखता है। हाँ हाँ, रेड कलर ही यूज करते सिग्नल में बाबू, डेंजर सिग्नल, जहां भी डेंजर सिग्नल आएगा, खतरा वाला सिग्नल है, तो वहां हम लोग रेड कलर ही यूज करते। तो क्यों सर? इसलिए बाबू, इसलिए रेड कलर यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं कि जो हमारा जो व्हाइट लाइट है शैतान, व्हाइट लाइट है बाबू क्या होता है, सेवन कलर का कंपोनेंट होता है ना, शांति से समझो, व्हाइट लाइट जो होता है बाबू क्या होता है, सेवन कलर का कंपोनेंट होता है ना, मान लो व्हाइट लाइट, तो ब्लू इधर उधर क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, ब्लू इधर उधर स्कैटर हो जाता है ना, ठीक है। और सबसे जो काम स्कैटर होता है, बाबू रेड कलर, रेड कलर स्कैटर नहीं होता, सबसे कम स्कैटर होता, बहुत कम होता। तो मान लो ये बाबू सेवन कलर है, इसमें सर कौन है, इसमें ब्लू भी है सर, ग्रीन भी है सर, येलो भी है सर, ऑरेंज भी, सब कलर है, लेकिन अधिकतर कलर क्या होगा, इधर उधर स्कैटर हो जाएगा। सबसे कम स्कैटर कौन सा होगा बाबू, रेड कलर क्या होगा, सबसे कम स्कैटर होगा, मतलब स्कैटर करेगा नहीं, तो रेड कलर जो था वो सीधे था, वो सीधे क्या होगा, निकल जाएगा, सीधे का सीधे क्या होगा, पास हो जाएगा, है ना बाबू। तो ये स्कैटर नहीं होगा, तो ये बाबू दूर तक ट्रेवल करेगा, ये बाबू क्या करेगा, बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए बाबू जो रेड, जो भी बाबू डेंजर सिग्नल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, रेड सिग्नल यूज करते हैं। क्यों क्यों सर? अगर दूसरा कलर यूज करोगे, मान लो बाबू रेड सिग्नल में ब्लू कलर यूज करोगे, समझो बात, समझो बाबू बात, आप लोग समझिए, है ना, ठीक है बात समझे। मान लो रेड सिग्नल है सर, है ना बाबू, मान लो सिग्नल है, डेंजर सिग्नल है ना, डेंजर सिग्नल है, तो यहाँ पे बाबू मान लो ये आपको ऐसे रहता ना बाबू, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है डेंजर, है ना, यहाँ पे बाबू एक बोर्ड नहीं रहता डेंजर करके, डेंजर था, ये बाबू रेड कलर रहता है। अब मान लेते सर यहाँ पे बाबू हम डेंजर सिग्नल ब्लू कलर बना दिए, क्या कर दिए बाबू, ब्लू कलर बना दिया, है ना, ब्लू कलर का डेंजर सिग्नल लिख लिया, तो होगा क्या चीज बाबू, होगा क्या चीज, ये बाबू थोड़ा दूर जाते 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 जाते, मान लो कोई यहाँ पे लड़का, कोई आदमी खड़ा है, शांति से देखो बाबू, कोई बाबू मान लो कि बहुत दूर में आदमी खड़ा है, यहाँ पे बाबू मान लो कि हमारा नारायण खड़ा है ना, आनंद का खड़ा नहीं करवाएंगे, यहाँ पे बाबू बहुत दूर में कोई आदमी खड़ा है ना, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का होगा ना बाबू, थोड़ा दूर जाते 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 क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, इधर उधर छित्र आ जाएगा, तो इसके आंख तक पहुंच भी नहीं करेगा, तो दिखाई ही नहीं देगा सिग्नल आपको, क्या लिखा हुआ नहीं लिखा। और रेड का क्या होता है बाबू, रेड क्या होता है, ये बहुत दूर तक ट्रेवल करता, क्या करता है बाबू, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है ना, ये स्कैटर नहीं होता। रेड कलर बाबू स्कैटर होगा नहीं, तो स्कैटर नहीं होगा बाबू, स्कैटर नहीं होगा तो क्या जाएगा ना, बहुत दूर तक जाएगा, दूर तक क्या करेगा, स्टेट में ट्रेवल करेगा, है ना। तो जितना बाबू जितना दूर तक ट्रेवल करेगा, जितना दूर तक जाएगा बाबू, उतना दूर तक अगर आप खड़ी रहोगे बाबू, उतना लार्ज डिस्टेंस तक खड़ी रहोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, रेड सिग्नल दिखाई देगा।
अब ब्लू वाला लाइट नहीं दिखाई देगा, ब्लू वाला उतना दूर तक नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बाबू हम लोग जो भी डेंजर सिग्नल होता है ना, डेंजर सिग्नल होता है या मोटर का भी बैक लाइट होता है, पीछे वाला ब्रेक मारते बाबू पीछे करते देखना रेड लाइट जलता है ना, तो सब हम लोग क्या करते हैं रेड ही यूज करते हैं। इसलिए बाबू की ये दूर से भी क्या हो दिखाई दे, क्यों सर? क्योंकि बाबू रेड कलर का क्या होता है, वो स्कैटरिंग बहुत कम होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है ना, ठीक है। अब सर रेड स्कैटरिंग कम होता है सर, ब्लू ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है, इसके पीछे कारण क्या सर? तो इसके पीछे कारण बाबू देखो क्या है, कारण समझने की कोशिश करो, कारण समझे। इसीलिए बाबू कलर ऑफ देखो, कलर ऑफ बाबू जो ये है बाबू, कलर ऑफ स्काई बाबू ब्लू क्यों दिखाई देता सर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। डीप ओशन में भी यही फिनोमेनन है, पानी है तो पानी में बाबू कौन सा सबसे ज्यादा कलर फैल जाएगा बाबू? ब्लू कलर सबसे ज्यादा पानी में, इसलिए पानी पानी रे तेरा रंग नीला क्यों है ना बाबू? तो बटर का कलर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा है ना। अब सर ब्लू ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है ना बाबू? तो एक टर्म आता है बाबू, आप लोग को अभी नहीं पढ़ना आप लोग के लेवल में बाबू है ना, एक टर्म आता है वेवलेंथ। क्योंकि बाबू ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है बाबू क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। वेवलेंथ होता क्या चीज है? वेवलेंथ होता क्या चीज है? समझो समझो सर, सारा कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, जिसमें से ब्लू का सबसे छोटा होता है, इसलिए छोटा या सबसे बड़ा होता है, इसी कारण हमें दिखता है। देखो बाबू हमारे पास कितना कलर है सर? 7 कलर है सर, 7 कलर है ना। ऐसे तो कलर बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे कलर है ना बाबू, लेकिन प्राइम बाबू बहुत सारे कलर, लेकिन हमारा आंख जो देख पाता बाबू मेनली 7 कलर को ही देख पाता। दिख रहा है सर, ब्लर दिख रहा है सौम्या? कैसे सुबह सुबह ब्लर दिख? सुबह सुबह तो सही रहना चाहिए हमारे प्रखर। प्रकाश जी वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी शिवानी बाबू कैसे ब्लर दिख रहा है बाबू? ब्लर दिख रहा है सतीश? नो सर, सतीश तो लेट से कहा आते हो बाबू? शिवांगी 5:30 बजे टाइम है बाबू, आप नहीं लग रहे हो किधर ज्यादा लेट आ रही हो सर? तो बस 5 मिनट लेट आ जाए। 5 मिनट कैसे आई होगी? 5 मिनट तक हम 6-7 तक तो आप थी नहीं, 5:37 तक तो है ही नहीं थी सर। थोड़ा सा फीवर लगा हुआ है तो मतलब नहीं उठ पाती उतना जल्दी सर, 5:35 में तो आ ही गई थी। अच्छा चलिए ठीक है। देखो बाबू आपको क्या है बाबू, आप बाबू देखो अच्छा ठीक है बाबू, आप तालाब गए हो बाबू? बता रहे थे कि ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा चितराता है। अच्छा ठीक है ठीक है बाबू, उसके पहले लिखा दिए हैं, उसके पहले 10 मिनट लिखाए थे अपना देखते रहना। देखो आप लोग ये देखे होगे बाबू क्या सर, तालाब देखे हो, पॉन्ड देखे हो बाबू है ना, तो पॉन्ड में बाबू पॉन्ड है बाबू, पॉन्ड है, पॉन्ड है, आपको हम बता रहे हैं बाबू वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वेवलेंथ क्या होता है ना बाबू। तो जैसे हमारे पास कौन सा कलर है सर? विव जियोर कलर है सर, ये है ना कलर बाबू, विव जियोर है ना, 7 कलर है। तो ये वायलेट हो गया बाबू, ये इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया है ना। तो हर एक कलर का बाबू वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, हर एक कलर का बाबू वेवलेंथ अलग अलग होता है ना। रेड कलर का वेवलेंथ है बाबू, रेड कलर का जो वेवलेंथ है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है बाबू सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और वायलेट कलर का बाबू वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है बाबू, वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे कम होता है। अब वेवलेंथ होता क्या चीज है सर? वेवलेंथ हमको होता क्या चीज है? तो देखो बाबू एक शांत तालाब है, मान लो एक शांत तालाब है, हम लोग गांव में सब, उसमें बाबू आप ये एक स्टोन का, एक बाबू स्टोन का पार्टिकल मारो है ना, स्टोन का पार्टिकल मारो, तो क्या होगा बाबू तालाब में क्या होगा? ऐसे ऐसे क्या होगा, वेव चलते हैं, ऐसे ऐसे वेव चलते हैं, चलते हैं ना बाबू, ऐसे ऐसे वेव चलते हैं कि नहीं चलते है ना, लहर आता है ना बाबू, लहर आता है ना। तो वही जो बाबू वेव आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वेवलेंथ कहते हैं ना, तो उसको वेवलेंथ नहीं कहेंगे। तो कैसे कैसे वेव चलेंगे सर? कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। इस तरह से बाबू आपको क्या चलता है तालाब में बाबू, क्या चलता है? वेव चलता है, ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं चलता है ना सतान, ठीक है। तो यहाँ बाबू दो को जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको ट्रफ कहते हैं, तो ये दोनों हाईएस्ट पॉइंट के जो बीच का दूरी होता है बाबू, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बाबू वेवलेंथ। इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं बाबू? वेवलेंथ कहते हैं। दो को सबसे हाईएस्ट का सर, इसके जस्ट बाद हाईएस्ट वाला पॉइंट यही है ना बाबू, ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ वाला का मत ले लेना। दो गो सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब बाबू लगातार, ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा ना बाबू, ऐसे देखो ऐसे बे चला सर, तो दो गो हाईएस्ट पॉइंट बना, तो इसको वेवलेंथ कहो बाबू, या बाबू दो लोएस्ट पॉइंट लोगे तो ये लोएस्ट पॉइंट बाबू और यहाँ का ये लोएस्ट पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा बाबू, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा है ना, तो इसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं बाबू लैम्डा से,
वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो जो रेड कलर का होता है ना वेवलेंथ बाबू, पहला हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, तो रेड कलर का बहुत दूर में दूसरा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? जो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब क्या सर? देखो रेड कलर का वेवलेंथ जो बनेगा ना, पहला मान लो यहाँ बना हुआ, पहला कहाँ बना सर? पहला यहाँ बना, तो दूसरा हाईएस्ट पॉइंट बहुत दूर में जाके बनेगा। मेरा बॉडी खत्म हो गया है ना, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट। तो ये बाबू वेवलेंथ ये क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसका वेवलेंथ क्या था? वो रेड कलर का सबसे ज्यादा था, इसलिए जहां जाएगा दूर तक कवर करेगा, दूर तक कवर करेगा। अब ब्लू कलर सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है? सबसे कम बाबू वायलेट का सबसे कम होता, मतलब इसमें छोटा छोटा वेव बनेगा, ऐसे बनेगा छोटा छोटा, ऐसे ऐसे छोटा 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 छोटा, है ना? ये बाबू वायलेट कलर है ना, तो इसका वेवलेंथ कम है, तो ये बाबू क्या होता है? ज्यादा स्कैटर हो जाता है ना बाबू, आगे कम ही दूर तक जाता है ना। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने के बाद वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसीलिए जो भी सिग्नल होता है ना बाबू कैसे दिखाई देता है? रेड दिखाई देता। समझ में नहीं आया प्रकाश सिंह? सर सौम्या क्या करे बाबू, क्या नौटंकी करे? हमको समझ में नहीं आ रहा सौम्या, आ रहा था ऐसे क्या कर रही थी बताओ? नहीं सर लिख रही थी, मेरा नीचे वाला छूट गया सर। रेड ब्लू येलो सर, रेड ब्लू येलो कर रही थी। रेड ब्लू येलो कर रहे, चलो ठीक है। वो गया कौन? सत्यम। सतीश बाबू लेट से क्यों आते बाबू? टाइम पे आइए ना। प्रखर गई हमारी, प्रखर का नेटवर्क नहीं पकड़। आदित्य नारायण गया सर। अच्छा आ जाएगा, उसका बहुत बाथरूम लग जाता, वो पढ़ते पढ़ते चला जाता। नहीं सर वो चलो ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि सर मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर, मैसेज कर रहा है। ठीक है चलिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है ना सर? नहीं इतना लिखा दिया ठीक ना। तो कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है? नेक्स्ट है बाबू, एक टर्म था बाबू टिंडल इफेक्ट पढ़ाए थे, टिंडल इफेक्ट पढ़ाए थे ना। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बाबू? तो टिंडल इफेक्ट जैसे आप लोग घर है बाबू, लास्ट क्लास में बताते हैं घर है बाबू, तो घर से बाबू जो सनलाइट आएगा ना, तो वहाँ बहुत सनलाइट जिस रास्ते से आ रहे हैं वो पाथ आपको विजुअल हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं बाबू? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अरे शैतान एक रूम ले लो, मान लो छत वाला रूम है बाबू, अब वहां से देखना खिड़की से क्या आएगा बाबू? रे ऑफ लाइट आएगा, तो जो विंडो से रे ऑफ लाइट आएगा ना, तो उसका जो रास्ता होगा ना पाथ बाबू, वो दिखाई देगा। देखो अभी हमारे रूम में क्या है, बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, तो यहाँ से लाइट आ रहा था, कहीं दूर कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। लेकिन बाबू वही सनलाइट आएगा बाबू, है ना, सनलाइट आएगा विंडो से बाबू एकदम बल्ब क्या मैंने साफ सनलाइट है ना, तो वहां देखना बाबू सनलाइट का रास्ता क्या दिखाई दिखाई देगा, दिखाई देगा पाथ दिखाई देगा। तो उसी के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना, टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि नहीं बाबू? अरे शैतान देखो मुंह लटका लेती है सब। देखो ये बाबू क्या है? बटर है ना। अब यहाँ से टॉर्च जला दिए, ये बाबू क्या है? बटर है। इसमें से टॉर्च जलाई दे दिए, लेजर लाइट याद नहीं रहा लाने का, लेजर लाइट रहते था। अच्छा आज देखेंगे मार्केट में जाकर मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ बाबू ये क्या हो गया? देखो शैतान यहाँ बाबू ये वाटर है, यहाँ टॉर्च किया बाबू, तो आपको बोर्ड पे लाइट दिखाई दे रहा, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा बाबू? लाइट दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देता सर? ठीक है यहाँ देखो बाबू टॉर्च है सर, तो बोर्ड पे लाइट दिखाई दे रहा है बाबू। तो देखो बाबू ये बाबू अगर वाटर है, प्योर वाटर बाबू है ना, तो इसमें से लाइट बाबू पास हो रहा, पास होके क्या कहते हैं इस साइड जा रहा, लेकिन इसके बीच में बाबू रास्ता लाइट का आपको दिखाई नहीं देगा, इसके बीच में बाबू लाइट का रास्ता दिखाई नहीं देगा। इसके मतलब लाइट यहाँ इंटर किया ना, इधर निकल गया ना जी, लेकिन बीच से आपको दिखाई नहीं देगा, बीच से क्या होगा बाबू? दिखाई नहीं देगा है ना। लेकिन इसी में बाबू थोड़ा सा अगर मिल्क डाल दो शैतान, थोड़ा सा अगर मिल्क डाल देते बाबू, देखते होता कि नहीं होता है ना बाबू, इस लाइट से नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है। इसमें थोड़ा सा क्या कर देते बाबू? मिल्क डाल देते हैं। ज्यादा डला गया देखा, फिर आज ज्यादा डला गया, फिर देवा हो देवा, ड्रॉप से डालना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बाबू? मिल्क डाल दिया है ना, ठीक है ठीक सर। अब बाबू देखो अब यहाँ से लाइट ऑन करेंगे बाबू, लाइट ऑन करेंगे तो देखो नीचे व्हाइटिस व्हाइटिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बाबू? व्हाइटिस दिख रहा है सर? दिख रहा है। यस सर। अरे शैतान मेरा, तो जब बाबू लाइट जिस रास्ते से जा रहा है, अगर लाइट का रास्ता अगर आपको दिख गया बाबू, लाइट का पाथ, पाथ मीन्स बाबू रास्ता है ना, रास्ता, तो लाइट का बाबू अगर रास्ता दिख गया, ठीक है ना, लाइट का अगर बाबू रास्ता दिख गया, तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो फेनोमेनन ऑब्जर्व किया था, किसने ऑब्जर्व किया था बाबू?
ठीक है, अब देखो लाइट दिखा बाबू, दिखा शैतान, अब अच्छे से दिखा, सर दिख रहा है, सारा पाथ दिख रहा है, अब पाथ दिख रहा है, यस सर अब अच्छे से दिख रहा है। रुको रुको थोड़ा और हल्का करें शैतान, सब शैताने है ये मेरा। कैमरा को क्या हो गया सर? कैमरा ब्लर हो गया होगा, फोकस नहीं करता अंधेरा में। चलो अब देखो बाबू, देखो रे अपलाइट अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, है ना बाबू? पहले सर देखो बाटर क्लियर दिख रहा है। पहले बाबू क्या था, बाटर से बाबू पानी लाइट पास कर रहे थे, तो ई वाला जो रास्ता कैसे एक तीन दुइये को तो भगवान हाथे दिए बाबू, क्या मुंह फाड़ रही है सोमिया, तो टॉर्च मुंह में डाल देंगे ठीक है ना। अब बाबू देखो पहले क्या था बाबू, पहले क्या था कि रास्ता बाबू आपको लाइट का रास्ता यहाँ से ये वाला जो रास्ता बाबू नहीं दिख रहा था। अब बाबू इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, मिल्क का एक दो बूंद क्या किया बाबू, मिल्क डाल दिया है ना, तो यहाँ से बाबू देखो रास्ता क्या हो रहा है सर, मिल्क एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये क्या कर रहा है स्पष्ट एकदम दिखाई दे रहा है। तो यही जो पाथ दिखाई दे रहा है ये वाला जो बाबू गिलास के अंदर, गिलास के अंदर शैतान जो पाथ दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझा प्रकाश सिंह सर? तो जब ज्यादा दूध डाले थे तो क्यों नहीं दिख रहा था बाबू? ज्यादा दूध डाल लिया था बाबू, तो लाइट क्या हो रहा था, इसी के अंदर रह जा रहा था, इस साइड जाइए नहीं रहा था, इस साइड नहीं जा रहा था बाबू, है ना पूरा का पूरा क्या। अरे मिल्क मेरा क्या होता बाबू, ट्रांसपेरेंट होता कि ओपेक होता, बताओ सुमान जी। ट्रांसपेरेंट है ये, ट्रांसलूसेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट क्या होता है बाबू बताओ सर? दोनों में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट भी ना, रास्ता लाइट का दिख रहा है, लाइट का रास्ता एकदम विजुअल है, तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आया तो और अच्छी बात है। टिंडल इफेक्ट शैतान, बोर्ड पे लिखाए भी थे, लेट से आने से यही होगा बाबू, जागे जो बाबू, सोए जो खोए, सोए जो खोए या जागे जो पाए, ठीक है ना, ठीक है बाबू। इतना टिंडल इफेक्ट कॉल करते, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इतना बाबू आपका क्या था, रिफ्लेक्शन था। अब थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ा देते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ा देते हैं ना बाबू, प्रिज्म के बारे में पढ़ा देते हैं। और बाबू रेनबो क्यों होता है, रेनबो बाबू क्यों होता है, वो वाला फिनोमिनन बता के लाइट चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो पहले लिखा देते बाबू, लिखा देते हैं कि पहले समझा दे शैतान सर। आप ये तो बताएं सर कि ब्लू क्यों होता है हमारा एटमॉस्फेयर सर, लेकिन सनसेट के समय ऑरेंज क्यों हो जाता है? सनसेट बाबू उस समय बताया था ना बाबू, ठीक है ना, सनराइज और सनसेट भी बाबू यही फेनोमेनल, सनराइज सनसेट नहीं बाबू, सनराइज और सनसेट के समय का जो सन का कलर है बाबू क्या होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर होता है ना, ठीक है। जैसे आपका तो इसका भी यही कारण बाबू, यही कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कारण है, ठीक है ना। देखो क्या होता है सर, सनराइज और सनसेट के समय बाबू, सनराइज और सनसेट के समय मेरा कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, कैसा बाबू कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है ना बाबू, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता, देखो क्यों दिखाई देता है शैतान, आप लोग तो टॉपिक एकदम छेड़ देते हो। देखो बाबू यहाँ पे क्या है सर, अर्थ है यहाँ पे बाबू, क्या अर्थ है ना, ठीक है सर। और यहाँ पे बाबू क्या है, सन है, यहाँ पे बाबू क्या है, सन है, ठीक। अब सन है बाबू, पे किसी को बनाए हैं क्या? हाँ बाबू यहाँ पे मान लो ना कोई है खड़ा है ना, तो अब क्या करे बाबू, सन है, अब सन से रे ऑफ लाइट जाएगा बाबू, रे ऑफ लाइट जाएगा, रे ऑफ लाइट जाएगा, तो अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या करे बाबू, इंटर करेगा, अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या करे बाबू, इंटर करेगा। तो जिस समय बाबू सनराइज होगा, जिस समय सनराइज होगा, सनराइज और सनसेट की बात करें ना, यहाँ अर्थ से बाबू क्या होगा, दूरी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम जो दूरी होगा, तो मैक्सिमम कलर क्या होता है बाबू, इस समय क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो आंख तक जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, वही ना आंख तक पहुंचेगा बाबू। मान लो सात कलर का मिक्सर है सर, भिवजियोर है, तो सनराइज और सनसेट के समय बाबू क्या होता है, ये दूरी क्या होता है, मैक्सिमम होता है,
तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वही कलर क्या आंख तक पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा कलर वेवलेंथ किसका होता है सर जी? किसका होता है? रेड कलर का होता है ना बाबू? किसका होता है? रेड कलर का होता। तो इस कारण से बाबू क्या होता है, रेड कलर आंख तक पहुंच जाता है, बाकी कलर क्या होता है बाबू? स्कैटर हो जाता है। बाकी कलर क्या होता है? पूरा नहीं स्कैटर होता, मतलब सबसे ज्यादा जो बाबू पहुंचता है रेड कलर, पहुंचता तो सारे कलर लेकिन बाबू और सब कलर का, ठीक है ना, और सब कलर क्या होता है थोड़ा सा घट जाता है बाबू। मान लो इसमें से बाबू थोड़ा ब्लू इधर स्कैटर हो गया, ग्रीन इधर स्कैटर होगा, स्कैटर होगा, तो पहुंचता सारे कलर लेकिन रेड कलर का इंटेंसिटी क्या होता है ज्यादा होता है, रेड कलर का मान वैल्यू क्या होता है ज्यादा होता है। इस कारण से बाबू सनराइज और सनसेट के समय में आपका कैसा सन कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है सर कान? रेडिश, क्योंकि बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बाबू हमारे आंख पे कौन सा कलर पहुंचता है? रेड कलर पहुंचता है। समझा नारायण? हल्का हल्का येलो भी दिखाई देता है। हाँ, येलो भी पहुंचता है, मैंने सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेड ही रहता है, पहुंचता सारे लेकिन कुछ कुछ स्कैटर हो जाता है, स्कैटर रेड वाला स्कैटर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो ज्यादा पहुंचेगा वो ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है बाबू, चलो ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग को प्रिज्म पढ़ना है बाबू, प्रिज्म पढ़ना है ना। प्रिज्म क्या होता है बाबू? बाबू प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म तो लाइव नहीं किए हैं, देखते हैं आज मिलता है तो कैसे लाते हैं, जुगाड़ करते हैं। ठीक है बाबू, प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा लिखे बाबू। शिवम समझ में आ रहा है? एक प्रकार वीडियो ऑन करो ना, दूगो कौन भाग गया? यस सर। भागा दूगो कौन बाबू? चौरसिया, चौरसिया है? यस सर। तो दूगो भागा कौन से कान? प्रखर भी तो लगता है ही है। क्या कर रहे इधर उधर सोमिया? बहुत इधर उधर के, इसके पापा का फोन करते हैं, इधर उधर बहुत कर रही, छटपटा रही, छटपटा रही है। एक घंटा के क्लास में सब एक एक घंटा का। नेक्स्ट बाबू पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे बाबू, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म बाबू। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू, अभिनव प्रकाश भाग गया सर। आया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू थ्रू प्रिज्म लिखा देते बाबू, लिखा देते, आप लोग लिखो शैतान, इसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। देखो प्रिज्म होता क्या चीज है सर, लिखो फिर समझाते बाबू। इधर डायग्राम, जनरली प्रिज्म का जो 2D डायग्राम होगा बाबू इस तरह से होता है। ये आपका क्या सर? प्रिज्म है। इसका 3D डायग्राम कैसे बनाएंगे बाबू? 3D डायग्राम कैसे बनाएंगे? 3D डायग्राम बाबू ऐसे बनाएंगे। ठीक है बाबू, तो ये आपका क्या हो गया सर? एक फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये 3D डायग्राम हो गया बाबू। बनाइए फिर समझाते हैं बाबू, वीडियो दिखाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, ये कैसा शेप है बताओ तो प्रकाश जी, ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है? ये वाला, इस शेप का नाम क्या बाबू? कोन। अरे शैतान, ये कैसा शेप है? ट्रायंगल, ट्रायंगल। और ये वाला जो ये रेड कलर का बाबू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो कैसा दिखाई दे रहा सर? वो रेक्टेंगल। हाँ बाबू, आप प्रिज्म बाबू, इसके अंदर ट्रायंगल भी है। हाँ बाबू, रेक्टेंगल ट्रायंगल दोनों रहते हैं। अब प्रिज्म बाबू हैज टू एंड्स, तो जो पेंटागन हुआ ना? नहीं शैतान, टू एंड्स बाबू, डेट आर बाबू एग्जैक्टली सेम साइज,
सेम साइज बाबू एंड शेप सेम साइज एंड शेप बाबू एंड दे आर जब तक आपको इसको दिखाएंगे नहीं बाबू नहीं समझ दे आर बाबू पर्पल टू ईच अदर फ्रिज में देखे हो शिवम नहीं देखा शैतान अभी तक रियल में देखा हूं 150 हां बाबू रियल में देखे और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब हां बाबू ठीक है जो ये ट्रायंगुलर जो ये बाबू इसको हम लोग कहते हैं बेस ठीक है ठीक है और ये जो ये रेक्टेंगुलर जो सरफेस है बाबू इसको कहते हैं लेटरल सरफेस दिस इज कॉल्ड बाबू लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस बाबू एस यू आर सरफेस बाबू या इसी को फेस भी कह सकते हैं बनाओ फिर समझाते हैं एक मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा सर आप जो ट्रायंगल बनाया है उसको भी बनाना है हाँ बाबू ये 2D डायग्राम है ये बाबू 2D डायग्राम है वो 3D डायग्राम है ठीक है सर 2D ये बाबू 2D डायग्राम है दिस ये 2D डायग्राम है अब आप लोग को 2D भी पता है हाँ दोनों बनाना बाबू ये 2D है और ये 3D डायग्राम है ये बाबू 3D